फरीदाबाद के जेके पनीर भंडार पर स्वास्थ्य विभाग की टीम ने छापा मारा है। स्वास्थ्य विभाग की टीम ने पनीर के सैंपल कलेक्ट कर उन्हें लेबोरेटरी में जांच के लिए भेज दिया है। अधिकारियों का कहना है कि रिपोर्ट में खामी आई तो निश्चित तौर पर कार्रवाई की जाएगी। हमने सीएम फ्लाइंग के साथ में सैंपल भरने की कार्रवाई करी है और लगभग 1000 किलो के आसपास पनीर मिला है, 100 किलो के आसपास खोआ है और बाकी जो पैकेट घी के आइटम हैं मिल्क फूड रिच देसी घी के नाम से, तो इनकी सैंपलिंग हम कर रहे हैं। कहाँ से आया था ये पनीर और कैसे यहाँ पर बेचा जा रहा है? अभी इंक्वायरी चल रही है, अभी इसके बारे में पता पूछताछ चल रही है। बिल है नहीं इसके पास, तो अभी तो ये बताना ठीक तरीके से नहीं बता पाएंगे, क्योंकि बिल होता तो उसमें सब कुछ डिटेल होती। तो अभी इसके बारे में हम पूछताछ कर रहे हैं कि ये पनीर कहाँ से आया है। अच्छा सर, ऐसा कहा जा रहा है कि ये जो है लगातार इस तरह के जो काम चल रहे हैं खाने की चीज़ों में मिलावटें, ये जब सैंपल बहुत लंबे समय में जो है चेक हो पाते हैं तो ऐसे में दोबारा से ये कहीं ना कहीं माल बेचने लगते हैं जितने दिनों में सैंपल आते हैं, क्या कार्रवाई बनती है, कैसे जाँच? कार्रवाई हमारे डिपेंड करता है उसकी रिपोर्ट क्या आती है। अगर बाई चांस वो मिसब्रांडेड या सब स्टैंडर्ड आते हैं तो ADC कोर्ट में केस चलते हैं, और अगर अनसेफ आते हैं तो वो केस फिर CGM कोर्ट में चलते हैं। तो इतने दिनों तक ये लगता है कि इस पनीर को दोबारा से बेचना शुरू कर देते हैं या दोबारा? नहीं, हम लोग अगर उसको हम अपराधी तभी घोषित कर पाएंगे तब उसके खिलाफ अगर रिपोर्ट उसकी गलत आती है तो। अगर इसको हम उल्टे उसका दूसरा पक्ष देखें, अगर रिपोर्ट पास आ जाती है और उसका पनीर हम इतने समय तक रोक के रखे और ख़राब हो जाता है तो उसका नुकसान की फिर भरपाई कौन कर पाएगा? तो अभी जो पनीर यहाँ पर मिला है सैंपल के बाद जो एक्स्ट्रा पनीर होगा उसका ये क्या करेंगे? उसका पनीर का जिन्होंने रखने का जो तरीका है वो सही है, फ्रीजर में बर्फ़ लगा के रखा हुआ है, तो उसके खिलाफ हम कुछ नहीं कर सकते अभी, बाकी रिपोर्ट आने के बाद ही पता चलता है।